झारखंड प्रदेश की और देश, क्योंकि दोनों जगह उनके सरकार ने इस तरह का गजट प्रकाशित किया है जो पर्यटन स्थल बताता है। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का मांग करता। आज एक विषय पूरे देश के अंदर चल रहा है, वो पवित्र पारसनाथ समेत शिखर जी महाराज को लेकर के है। इस शिखर पर्वत को पर्यटकीय स्थल घोषित करने के लिए वर्तमान की राज्य सरकार ने अपने पर्यटन नीति 2021 की स्वीकृति करते हुए 28 दिसंबर 2021 को इसे पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में शामिल करने का एक संकल्प जारी किया है। वहीं वर्तमान के पर्यटन मंत्री श्रीमान हाफिजुल साहब ने यह बात कही है कि यह जो विवाद है पर्यटक क्षेत्र का, यह पूर्व के रघुवर दास की सरकार ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक चिट्ठी है सरकार की तरफ से पर्यटन कला संस्कृति खेल के युवा कार्य विभाग, जिसमें मैं मंत्री था, 22/10/2018 को, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि पत्रांग 13/91/22/10/2018, इसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है, उस समय सरकार ने कहा है, रघुवर दास जी की सरकार ने कहा है, पारसनाथ समेत शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। यह हम लोगों ने 2018 में, रघुवर दास जी की सरकार ने 2018 में ही 10वें महीने में इसको विभागीय रूप से इन्होंने, हम लोगों ने संकल्प कर दिया था। वर्तमान की सरकार ने, यह गजट का कॉपी भी मेरे पास है, वर्तमान की सरकार ने 2022/17 फरवरी को इसको वापस पर्यटन में शामिल करते हुए यह विवाद खड़ा करने का काम किया है। इसलिए मेरा राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार से आग्रह होगा कि अपने गलती को स्वीकार करते हैं, इसे अति जल्दी सुधारे, और यह आरोप कि रघुवर दास की सरकार ने जनता को गुमराह किया है, इस कथन को वापस लें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।